हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा विश्वा, आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत प्यार करने का। हमें उन्होंने हमारे ब्लॉग पे 50,000 व्यूज दे दिए हैं। ओए ना सरकार तो हमारी यार, हम लखा हमारी, हां बहुत ज्यादा हमें खुशी हुई। और हमारे 75,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। ओए ना बहुत ज्यादा शुक्रिया दो यार, बड़ी खुशी दी है सच्ची में आपने। मैं इतना ज्यादा मतलब दिल से हमें खुशी हुई है कि आप सबने हमें इतना प्यार दिया। खुशी दे दी आपने भैया, आपने खुशी। तो आज की जो वीडियो लेकर आए, ये भी हमें बड़ी खुशी की बात है। इंडियन जो नेवी है ना, उन्होंने डूबते हुए पाकिस्तानी 19 जो है ना, उनको बचा लिया भाई। इंडिया, उन्होंने बोला इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगा दिए हैं। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं आज वीडियो। मास्टर हूँ इस लांच का, अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे रात से। इंडियन नेवी मेरे पीछे लगे हुए है इमदाद कुमक के लिए, पूरी रात इन लोगों ने मगज मारी। बोले हम सारी गलम दाल का के किड्रा को कुछ किया, दिन की 4 बजे नेवी ने मुझे आजाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आजाद हूँ। इंडियन नेवी का, इंडिया नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमारे हर बच्चा कहते हैं इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो। सही बात है, इंसानियत को बचाया, इंसान को नहीं, उन्होंने इंसान को बचाया बिल्कुल। An Indian Navy vessel responded to yet another pirate attack. मैं यस कर रहा था कि बिल्कुल SOS कॉल है। All crew members on board FV Al-Kambar of 23 Pakistani nationals. मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बचाया। समुद्री लुटेरों से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया गया है। फिशिंग वेसल पर 9 हथियारबंद लुटेरे सवार थे। भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज को डकैतों से छुड़ाया। लेकिन इंडिया ईरान के साथ, उनके इंडिया के साथ इंडिया पे पाबंदियां लगी हैं, अमेरिका करीबी है। अच्छा, वो परवाह नहीं करते अमेरिका, इंडियन अमेरिकन एनओसी की। हम तो हाथ मिलते रहते हैं, डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या साहब बादल का मूड कैसा है। उन्होंने बात नहीं, क्योंकि दिस इज आवर कोर इंटरेस्ट। पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है ना जी? जी हाँ। बिल्कुल, ऐसा जो है इंडियन होके वो ये वो सर अंजाम दे रहे हैं जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि उन्होंने ये काम किया। सही बात है ना, हमारे 4 में से 3 हमसायों से ताल्लुकात खराब है। इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट्स से बचाया था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, समुद्र में सभी देश सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सके, इसके लिए भारतीय नौसेना लगातार अभियान चला रही है। ऑपरेशन संकल्प के जरिए इंडियन नेवी कई बार समुद्री लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेर चुकी है। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। समुद्री लुटेरों ने ईरान की एक मछली पकड़ने वाली चिप को हाईजैक कर लिया था। इंडियन नेवी के पास इसको लेकर इमरजेंसी कॉल आई। भारतीय नौसेना ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ईरानी शिप को बचाने के लिए अरब सागर में अभियान छेड़ दिया। घंटों की मशक्कत के बाद इंडियन नेवी ने न केवल ईरानी पोत को लुटेरों के चुंगल से छुड़वाया, बल्कि चालक दल के 23 पाकिस्तानी सदस्यों को भी बचा लिया। जानकारी के मुताबिक ईरान की अल कंबर 786 नाम की पोत अरब सागर में मछली पकड़ने गई थी। इसके चालक दलों में 23 पाकिस्तानी नागरिक थे। तभी अचानक से समुद्री लुटेरों ने हमला कर चिप को हाईजैक कर लिया। भारतीय नौसेना की कमान को सूचना मिली, इसके बाद भारतीय नेवी ने अभियान चला दिया। इस अभियान में INS सुमेधा की भूमिका काफी अहम रही। INS सुमेधा की मदद से हाईजैक ईरानी शिप का पता लगाया गया। देखिए हमारे हर बच्चा कहते हैं इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया। सही बात है। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखे जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना, एक मोहब्बत बड़ा हाथ है। और इसमें हम नफरतें खत्म होंगी, मजीद करीब होंगे हम।
तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था, किसी मुश्किल घड़ी में अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे पाकिस्तानी नेवी का काम है। और देखिए उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारे उनकी तरफ से काफी मामले हैं, जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए उनके लिए और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से, तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आर्मी हमारी खुश हो गए इंशाल्लाह। आपके चेहरे पे स्माइल है। तो सर इतने अच्छे हमारे पड़ोसी है, क्या वजूहत है कि हम जो है उनसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे जैसे कि बाकी कंट्रीज जो है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं? हम हमेशा हर मामले में इंडिया को दुश्मन कहते हैं या जंगे करते हैं, हम उनकी तरफ वो जो कहते हैं ना दोस्ती वाला हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अब ऐसा होगा मैम, अब ऐसा होगा, जैसे उन्होंने ये कदम एक बढ़ाया ना हमारी तरफ से तो बहुत ज्यादा आगे हम चले गए थे लेकिन वो पीछे थे, अब जो उन्होंने एक जो चक्का लगाया ना वो काफी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे आगे, पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पे खुशी का इजहार कर रहे हैं जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया, उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पे बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया, ये अच्छा कदम उन्होंने अपने हमारी तरफ बढ़ाया, इंशाल्लाह हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। जबरदस्त। मेरा जवाब ये है जो अगर इंडिया ने ये जो किया पाकिस्तानियों को बचाया इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मसला ये है कोई भी मज़हब ये नहीं इजाज़त देता कि इंसानियत का कत्ल किया जाए, लेकिन ये जो मसला गवर्नमेंट का है पाकिस्तान की और इंडिया की, लेकिन अवाम में मोहब्बत दोनों तरफ से ही है, इधर से भी उधर से अवाम तो चाहती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो दुनिया की बेस्ट नेवी है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ कताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेजल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, ईरानियन 17 ईरानियन को बचाया, तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफी ज्यादा पावरफुल है। अच्छा। टेक्नोलॉजी में हर चीज हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए, उन लोगों का सियासी समाजी और जो माशी हालात है बहुत अच्छे है, पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है, अगर पाकिस्तानी नेवी को कोई मौका मिले तो वो इंडियन हो अगर कोई भी हो अगर ख्वा किसी भी सर, आज उन्होंने अपने पड़ोसी होने का जो फर्ज हर बार की तरह इस दफ़ा भी निभाया है, पाकिस्तानियों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तानी अवाम उनका शुक्रिया अदा करती है। सही बात, तो हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, हम तो शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत अच्छा काम है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इंडिया के एक बहरी जंगी जहाज INS सुमित्रा ने जी पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दुश्मन है इनको मरने दो, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है इनको बचाओ, तो इंडियन नेवी की तरफ से या इंडिया की जानिब से ये जो एक पॉजिटिव जो स्टेप है टूवर्ड्स पाकिस्तान, इसके बारे में क्या बोलोगे? मेरा तो यही ख्याल है कि लोग यहाँ भी वही हैं और वहाँ भी वही हैं, ये सिर्फ हुकूमत ने अपना किया हुआ है दूसरे को, सियासी खेल है, लोग यहाँ भी वैसे ही हैं वो लोग वहाँ भी वैसे ही है। कुछ लोग हैं जी, अब ये पिछली मूवीज़ बनी है दो चार इंडिया में बॉलीवुड की, उसमें पाकिस्तान को इतना गलत दिखाया है इन्होंने कि मूवीज़ में कि पाकिस्तान गद्दार है, ये Tiger 3 पीछे आई है एक मूवी उन्होंने दिखाया कि इतना गद्दार पाकिस्तान है, उसमें भी दिखाया उन्होंने आर्मी सब कुछ कर रही है, लोग तो वैसे ही हैं, लोग एक मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम मिल के रहें मगर ये सियासत नहीं रहने देती। अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पर अपनी आर्मी के, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए क्या फायदा हो जाए, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान अगर हो जाए हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला लें अपनी वही पैसा हम अपने पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की। आपने बहुत अच्छी बात, इंडिया की तो है नहीं, आवाम की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, बॉर्डर्स पे जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को जो है इंडियन दुश्मनी सिखाते हैं, हिंदू दुश्मनी सिखाते हैं, इस दुश्मनी के होते हुए आपको लगता है कि दोनों तरफ अमन आएगा या दोस्ती बढ़ेगी? ये सिर्फ मतलब कि हुक्मरान वगैरह दिखाते हैं कि ये गलत, किताबों में भी तो पढ़ते हो ना आप, किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते, ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, वो दहशतगर्द हैं, यहाँ भी कहते हैं कि कोई इंडिया आ गया तो वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही हैं वहाँ के हम इकट्ठे रहें। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई कितना ज्यादा प्यार है इंडिया और पाकिस्तान की है, जो मतलब अवाम है ना हमें बहुत ज्यादा जो है ना
हमारे में मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, इधर देखे उनका बहुत ज्यादा ना मन करता है कि हमें एक दूसरे से मिले, एक होके रहे, जैसे पहले होकर रहना है। सही बात है अम्मी, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने 23 पाकिस्तानी मछेरे जो थे ना, जो मछलियां पकड़ने जाते थे, उनको रेस्क्यू किया, वो डूबने से बचा लिया, उनपे संभालिया, हाँ कश्ती पे बैठे हुए थे वो मछलियां पकड़ने के लिए, दूर दूर जाते हैं ना समंदरों में, तो वहां पे संभालिया के ना लुटेरे होते हैं जो कि लूटते हैं जहाजों को, समंदरों में लुटेरे आ जाते हैं, वो लूट लेते हैं, तो फिर वो पकड़ के ना बंदों को पकड़ लेते हैं, तो उनको उन्होंने ना बचाया है, 23 पाकिस्तानियों को बचाया, ईरानियों को भी बचाया, पाकिस्तानियों को भी बचाया है, तो कितना बड़ा उनकी नेवी है। उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया हुआ कि हम पूरी दुनिया के जितने भी लोग मुसीबत में होंगे वो हमें कॉल कर सकते हैं, हम उनको बचाएंगे। इन्होंने जाकर उन्होंने पकड़ लिया था इनको, सोमालिया वालों ने इनको पकड़ के कैद किया हुआ था, तो उन्होंने इंडिया की नेवी ने, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी का काम बनता था नेवी का कि वो जाके उनको बचाते, लेकिन ये आपको पता है बस खाऊ है ना, कोई इनसे काम होता है, उनकी नेवी होता पता ना, तलाओ फोन कॉल आपको इमरजेंसी कॉल करने के लिए ना, वहां पे आपका आपको नंबर पता होता है, इन्होंने कॉल की होगी पाकिस्तान की जो नेवी है, लेकिन ये टाइम पे जो बंदा टाइम पे ना पहुंचे उसका क्या करना हमने, चलो ना किसी को सहारा देके। सही बात है, उन्होंने अम्मी ये भी तो हो सकता था ना, वो बोलते कि मछेरों का के जो मतलब सोमालिया वालों के आप इनको पकड़ ले, हम दूसरों को बचा लेंगे, ये हमारे दुश्मन है, लेकिन नहीं, उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बचाया, उन्होंने इंसानियत को जिंदा किया, ये पैगाम दिया है कि हम आपसे नफरत नहीं करते, हम आपसे प्यार करते हैं, और हमें हमारे दिलों में कोई आपके लिए नफरत नहीं है। तो होता है ना भाई, अगर दुश्मनी निभानी होती तो वो ये भी क्या कर सकते हैं, हाथ बढ़ाया कि चलो हाँ हमारे बन जाओ हाँ, लेकिन ये अगर आगे से भी हम हमारे पाकिस्तान के जो थे उन्होंने भी भाई शुक्रिया अदा किया, इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए हैं कि भाई इंडिया का बहुत ज्यादा शुक्रिया, उनकी नेवी का, उनकी हुकूमत का बहुत ज्यादा शुक्रिया जो उन्होंने हमारी जान को बचा लिया है। सच्ची में समंदर में फंसे हुए बंदे की जान ऐसे सूली पर लगती होती है, तो उसकी उन्होंने जान बचाई, तो हम खुद आपको तहे दिल से इंडिया वालों का हम तो पहले से चाहते हैं, हाँ हम तो पहले चाहते हैं कि इनके तल्लुकात और फैलाओगे। हाँ अभी ये गर्दिश न्यूज बड़ी कर रही है, और हमारे मीडिया पे ये कोई नहीं दिखा रहे कि भाई इंडिया नेवी ने हमारे मछेरों को जो है बचा लिया है, अगर ये चलाएं तो हमारी अवाम के दिलों में भी पैदा होगा प्यार कितना ज्यादा है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं ना दिखाते ताकि प्यार ना कहीं पैदा हो जाए, लेकिन अवाम, ये स्टूडेंट की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि हमारे जो है ना अवाम चाहती है कि भाई प्यार मोहब्बत पैदा हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और आपका फिर से एक दफा थैंक यू, फिर आपको मिलता है एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चलते अल्लाह हाफिज़।